तो कल रात को ना मम्मी ने एक वीडियो देखी थी। क्या थी मम्मी वो वीडियो? दारोट चैनल की। हाँ, दारोट की चैनल की नहीं थी वो वाली जो आप मुझे भी बता रही थी। नाम नहीं पता उसका कौन सी। हाँ, जो भी नाम हो, नाम तो खैर हमें लेना ही नहीं है। तो वो कहती है कि राजवीर जी जिंदा है, हम लोग व्यूज के लिए, पैसे के लिए वीडियोस बना रहे हैं, और उनकी कुंडली में दोष था तो उनको फैलाना पड़ा कि राजवीर जी नहीं है। तो काश ऐसा होता, पहले तो हम बहुत खुश हो जाते, ऐसा होता भी तो, पर ऐसे मजाक और है ना, व्यूज के लिए मत किया कि ये कि व्यूज के लिए तो तुम कर रही हो जो तुम बोल रही हो, तो इसके बारे में बाद में बात करूंगी। अभी हमारे यहाँ पे बन रही है कड़ी। सुबह सुबह क्यों अपना दिमाग खराब करें, सही कही ना मम्मी? ये लोग नहीं सोचते हम झूठ बोल रहे हैं, ऐसे झूठ बोला जाता है क्या? आदमी इंसान चले जाता है झूठ बोलना, ये कोई मजाक लगता है सब लोगों को। कोई नहीं, बाद में बात करेंगे इस टॉपिक में। अभी धुल रहे हैं हमारे कपड़े। और आरोही तुम वहां कैसे चढ़ गई? नीचे उतरो, नीचे उतरो। अच्छा, ला रही हूँ मम्मी, पालक ला रही हूँ। चलो नीचे नीचे खेल लो, ठीक है? आप टेंशन मत लिया करो, बोलने को लोगों को, लोगों का तो काम है बोलना। मतलब हमें शौक लग रहा है कि जे दो दो फोटो रखी है, इन पे माला चढ़ाए हैं। जाना का कोठी में बंद कर दो। हाँ, हम दे जा, हमें तो नहीं है हमारे पास, दे जा। जिंदो है तो हमें है, हमें कुंडली में दोष था इसलिए करना पड़ा ये सब, कि मतलब दुनिया को बताना पड़ा। ऐसा कोई दुनिया से मजाक करेगा कि वो नहीं है? औरत है अम्मा, औरत ही ऐसी होती है, कुछ नहीं, शर्म नहीं होती अम्मा। कहते हैं ना, जिस पर बीतती है उनको पता रहती है, ऐसे लोगों पर कब जाता थोड़ी है। हाँ वही तो, ये काट लाई इतना, बच्चे ऐसे घूम रहे हैं, हम ऐसे घूम रहे हैं, शौक लग रहा है हमें ऐसे वो करने का। पापा 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 छोटी है तो छोटी, बड़ी है तो बड़ी। तो ये बता, अभी मैं ऊपर से लेके आई हूँ थोड़ी देर पहले, हैं? हाँ तो, और ये धोने के कपड़े हैं ये जो आपने लिए? हाँ बोलू नहीं, मैं नहीं बोलू, ठीक है, मैं कुछ नहीं कह रही आपसे। ऐसे कहाँ जाओगी अम्मा पास? अम्मा यहाँ नहीं है, अम्मा अंदर है। मम्मी जब पजामे लेके घूम रही है देखो ऐसे डालती है, देखो मम्मी। ओहो, अरे अरे अरे, अम्मा को प्यार ही तो कर दो। आ जाओ, लियो टॉफी, टॉफी दे रही है अम्मा। जी टॉफी कैसी धरी है? इसी की रखी होगी यार, अब चले गए, इसको फेंक गई यार। देखियो मुझे खाना है, क्या खाना है तुम्हें? सब लोग बोलते हैं आरू की आवाज बहुत मीठी है, सुरीली है। ऊपर नहीं जाओ, ऊपर नहीं, ऊपर नहीं जाओ, यहीं बैठ के खा लो। बुआ पढ़ रही है बेटा, बुआ का कल का पेपर है। नहीं आपका भी, आप तो स्कूल ही नहीं गई इस बार, 2 महीने बाद देखो आप स्कूल जाया करोगी। छोटी कहाँ जा रही हो? नहीं ना, बुआ डांटेंगी। आरू यहीं बैठी है, मैं देख रही हूँ। यहीं दोनों चुप बैठ जाओ, ठीक है? तो वो कितने स्पीड में चुप बैठ जाती है। क्या मम्मी चावल रख रही हूँ, अभी रख रही हूँ, इसमें पानी चला दूँ बस थोड़ा सा और फिर आ रही हूँ मैं। बेटा पोंछा लग रहा है, रुक जाओगी? यहाँ से मत हिलना, यहीं बैठे रहना दोनों, ठीक है? ओके
ठीक है आरोही, ओके बाय, यहीं बैठे रहो, बाय। तो अभी हमारी बच्ची कड़ी और बच्चे बाहर खेल रहे हैं और मैंने रख दिए है चावल। पापा जी खाएंगे रोटी तो उनके लिए लगा देंगे थोड़ा सा आटा। मम्मी वो घी का डब्बा कहाँ रखा है? वो घी का डब्बा, ये वाला तो आपने साफ करवा दिया, वो कहाँ है दूसरा? क्या चाहिए आपको? कुछ जल चाहिए? अरे भैया लाओ, यहाँ रखो, रख दो यहीं पे, इधर रखो, इधर बस बहुत है, धीरे धीरे जाओ। मैं पकड़ के ले चलूं, मम्मा ले चले, लाओ मैं ले चलूं? नहीं ठीक है। ओगी अम्मा अंदर पोछा लगा रही है, क्या हो गया? ये तो खाली है, मम्मी फेंक दिया था, मैंने उसी को दिया था खेलने, खाली है ये। जाओ तो ये पानी जहाँ तक लेके जाती है वहीं फेंक जाता है। अभी ले जाओ वहाँ खेल लो, मम्मी वहीं सामान लेके जाओ। राउंड धुल जाएगा, फिर एक और राउंड है क्योंकि उसमें है अंशु के कपड़े, स्कूल की ड्रेस भी है क्योंकि वो एग्जाम देने वही ड्रेस पहन के जाती है, तो वो ड्रेस भी धुलनी है। फिर थोड़े बहुत पापा जी के हैं वो भी ले लूंगी, और रोटियां ज्यादा बननी नहीं है, चावल बन गए, थोड़ी बहुत पापा जी के लिए रोटियां बनेंगी और एक एक इनके ओगी और जेरी के लिए डालते हैं, साथ में देते हैं, अपन खाते हैं तो उनको भी खाना होता है, वैसे वो पेडिग्री खाते हैं, रोल खाते हैं। अब पता है आज ना हमने पालक और ये आलू प्याज वाली कड़ी बनाई है, ये मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है ये, पर अंशु को और सूरज जी को तो बहुत ज़्यादा पसंद थी, मतलब उनकी फेवरेट थी। मेरे को पकौड़ी वाली पसंद है तो मैं थोड़ी सी पकौड़ी बनाऊंगी। तेल इधर मैंने रख दिया है, इधर चावल हो रहे हैं, उधर अम्मा की चाय है। ये सारे कपड़े धुल गए, थोड़ी देर यहाँ कर देंगे फिर उस पर डाल देंगे। आ रही मम्मी, रहे हो दोनों? अरे वो उसको नहीं देख रहा, जो कुछ और देख रहा है वो अच्छा अच्छा आप जानती हो, आपको पता है, उसने आपको बोला नहीं सेम पेंच। आज आपकी तबीयत खराब है थोड़ी थोड़ी, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, दवाई लो। उसको वहां से कुछ हरकतें देना है, फिर पिटाई चाहिए, हैं? पिटाई चाहिए? आज मम्मी थोड़ी परेशान थी। क्यों? मम्मी ने एक वीडियो देखी थी, मतलब एक तो वीडियो देखी थी जो कुछ वो औरतें बनाती रहती है ना कि अरे अच्छा राजवीर जी जिंदा है, राजवीर जी जिंदा है ये वो, तो वो थोड़ी परेशान हो रही थी कि ये लोग भी उसके लिए कर रही है वो, फिर उनको थोड़ा समझाया कि बोलने वाले हैं क्या जाता है उनका। उनसे कह दिया करो, उन पे ध्यान ना दिया करें ज्यादा, वो फालतू की चीजों पे वो भी चला जाता है, पता है मैं भी ऐसे डिस्ट्रक्शन ध्यान नहीं दूंगा, चला जाता है। अब वो देखती हैं वो उनके बाद फिर वो आ ही जाती हैं वो। किसको
शौक ऐसे दिलवा जैसे जिंदगी जिंदगी का ये सब बच्चे शर्म भी नहीं आती थी बोलने में पता नहीं थोड़ा सा दिमाग खराब है अभी कुछ नहीं है कल मिलेंगे बाय बाय चलो।